हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोड। आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्ज़ाम डेट्स की अनाउंसमेंट हो रही है, तो एग्ज़ाम अगर आपका नेक्स्ट मंथ सपोज होता है, ठीक है, तो आपको कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए इस टाइम पर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे होंगे जिनका स्कोर एक रेंज में आ रहा होगा और वहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या उससे ज़्यादा की उन्हें नीड है। अलग अलग जगह पर आप पूछ रहे होंगे अपने जानकार जो है, जो भी आपके एसएससी की फील्ड में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे। तो आज इस वीडियो में जिनका कोई भी जानकार नहीं है या एक जो आइडिया लेना चाहते हैं, ग्लिम्स हमारी तरफ से, ठीक है, वो दिया जाएगा कैलकुलेटिव एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है। तो माई नेम इज़ हेमंत, मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। तो आगे चलते हैं वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए। देखिए, जो मेरे पास ये डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पिछले कुछ सालों का है, ठीक है, लगभग 4-5 साल का डेटा है ये। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैकेंसी 2019 में जो हमारे पास थी वो लगभग इतनी थी, जनरल कैटेगरी में ओवरऑल 8,428 थी। इसमें से 1,105 जो मैंने माइनस करी है, ये वो है जो कि आपके EEO JSO की थी। इनको हटाने के बाद अगर हम देखें तो लगभग 1,25,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 17 का डिवाइडिंग फैक्टर अगर इसमें देखें तो ये आता है। अगर कैटेगरी वाइज देखूं तो मैं लगभग 25,000 बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए थे, 38,000 यहाँ हुए थे और कट ऑफ गई थी आपकी लगभग 147, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में वैकेंसीज जो है कम हुई थोड़ा और बच्चे भी जो है वो कम सेलेक्ट किए गए। अगर आप देखोगे तो पेपर के लेवल पर भी फर्क पड़ता है, पेपर का लेवल कैसा था 2020 में, 19 के कंपेरिजन में थोड़ा अच्छा लेवल था तो कट ऑफ थोड़ी गिरी आपकी, 132 मार्क्स आई, ठीक है। बच्चे भी कम सेलेक्टेड हुए थे फिर भी कट ऑफ जो है वो गिर गई क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था। आगे चले अगर 2018 की बात करें हम, 2018 में आप देखोगे लगभग 1,50,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, डिवाइडिंग फैक्टर 14 का था, 137 कट ऑफ गई, बच्चे ज़्यादा थे, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। इसके बाद वाले में अगर बात करें हम 24 मई 2021 की, तो उसमें 3,000 आप देखोगे UR के बच्चे सेलेक्ट हुए, वैकेंसी थी UR के बच्चे 15,000 सेलेक्ट हुए, लगभग 5 गुना, यहाँ पे लगभग 10 गुना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। जब आप देखोगे कि कम टाइम्स हो रहे हैं तो बच्चे तब कट ऑफ जो है वो आपकी कम जा रही है। इसका रीज़न पेपर का लेवल है और कुछ नहीं है। और डिवाइडिंग फैक्टर आप देखोगे ओवरऑल में फ़र्क पड़ रहा है, 14-16 ये आ रहा था। हाल ही में फिर SSC ने एकदम से 10 का फैक्टर दे दिया 2022-23 में, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये प्रीवियस ट्रेंड ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था। 22-23 पर मैं आता हूँ, उससे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता देता हूँ कि टेस्ट बुक पर पास अगर अभी आपका ख़त्म हो चुका है या आपने पास लिया था खाली, तो पास प्रो ले सकते हो। अभी आप इसका रेट देख रहे हो, ये चल रहा है, कूपन कोड यूज़ कर लेना। इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। Tier 1 Tier 2 मॉक टेस्ट के लिए आपको 9 तो फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। अभी आप 9 फ्री टेस्ट दे के देखो आपको कैसा लगता है, जो बच्चे नए हैं पेपर का लेवल कैसा आता है इससे आइडिया लो। लगभग 1,000 के आसपास टोटल टेस्ट है, जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल टीयर टेस्ट भी है, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर। आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। लगभग आप देखोगे यूज़र्स भी आपके 1,143,000 ये यूज़र्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। आपकी AIR भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है, जो आपका लीडर बोर्ड पर जनरेट होगी कि इतनी रैंकिंग आपकी बन रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी मिल जाएंगे, स्टैटिक जी के भी मिल जाएंगे, आपको हर तरह के CGL के भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आगे चलता हूँ, अब मैं मेन चीज़ पर आ जाता हूँ जो CGL 24 के लिए सबसे मेन है। 2022 में आप देखोगे वैकेंसीज 36,000, बच्चे भी इतने ही 3,60,000, 10 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए, 15,000 पे 5 गुना बच्चे जनरल के सेलेक्ट हुए, 114 कट ऑफ गई। सीधा सीधा रोल है कि वैकेंसी जितनी ज़्यादा है कट ऑफ उतनी कम जा रही है। यहाँ से इनडायरेक्टली रेफरेंस और डायरेक्टली कह सकते हो ये मिल रहा है। OBC में हम देख रहे हैं लगभग इतने गुना बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, 114 आपके इस हिसाब से कट ऑफ गई। जनरल OBC में ज़्यादा फर्क नहीं था, EWS में थोड़ा सा था, EWS के इतना गुना बच्चे लिए गए। 2023 की वैकेंसी चार्ट मैंने डाला नहीं है, और जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो 13,000 थे, कट ऑफ 150 गई थी। तो आप देख सकते हो ये जो 36 नंबर बढ़े, ठीक है, ये आपके कैंडिडेट कितना कम हो गए, लगभग 60,000 कैंडिडेट कम होने पर 36 नंबर ही बढ़े। क्योंकि तो और भी आप देखोगे अगर इन दोनों का हम गैप देखें, 60,000 बच्चे और कहाँ 36 नंबर, तो मतलब कि डेंसिटी आप देखोगे बच्चे जो ऊपर की तरफ हैं उनके कम थे, नीचे की तरफ वाले ज़्यादा थे। सेम गोज़ फॉर दिस ईयर। अगर मैं इस साल की बात करूँ, लगभग 8,400 वैकेंसी जनरल की होंगी, 41,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। उस हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पर प्रेडिक्शन आपकी, तो 20 नंबर का ऑलमोस्ट गैप आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि ना तो यहाँ रहेगा
इससे लगभग आप देखोगे 26,000 ज्यादा है और इससे 30,000 इधर ज्यादा है, तो लगभग इन दोनों के बीच में यानी कि आपको 132 30 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी के प्री में, ठीक है, टीयर वन में। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी इस बार जनरल जितना नहीं जाएगा, कैंडिडेट ज्यादा सेलेक्ट होंगे, वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा 127 से 28, ये नंबर आपको ओबीसी के देखने को मिल जाएंगे। वही ईडब्ल्यूएस की मैं अगर बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की आपको 122 से 123 ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो 100 के अप्रोक्स प्लस माइनस 2-3 ये रहेगा, और एसटी कैटेगरी में लगभग 90-92 के आसपास आपको कट ऑफ मिलेगी। तो अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, एसटी में 90-92, एससी में 100-102, ईडब्ल्यूएस में अगर आप वो 122-24-25 मैक्सिमम मान लो 125 तक कट ऑफ जाने के चांस है, ओबीसी 130 ही मान के चलो अगर आप टारगेट सेट कर रहे हो, और जनरल 135 हार्ड कोर मान के चलो, 135 से ऊपर हार्डली जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा इस टाइम का। अगर आप इससे ऊपर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं देन यू आर सेफ, अपने माइंड को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो और बस कंसिस्टेंटली 1 महीना खींच दो, तो 135 अभी आ रहे हैं तो 1 महीना अच्छे से कर लोगे तो 140-145 से जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस थी, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर्सनल मैंने अपनी रिसर्च करी है, इसका कोई एक्चुअल कट ऑफ से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्स रहकर तैयारी करें, आपको एक रफ आइडिया दिया मैंने, एसएससी ग्रुप टेलीग्राम 123 में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर हमने एग्जाम डेट का आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है। ये एक जो स्लॉट्स हैं उसके हिसाब से है कि अगर एग्ज़ाम की एजेंसीज के ये स्लॉट्स बुक है, इतने लंबा अगर स्लॉट फ्री है और एग्ज़ाम का डेट अगर आपको बताया सितंबर अक्टूबर, तो हाईली चांसेस हैं कि ये पीरियड में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।